गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज हम एक ऐसा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो हमें गुजरे हुए वक्त में ले जाएगा और एक ऐसे मुद्दे से जुड़ा हुआ है जो हमारी जिंदगी का एक आकर्षण है। मैं विदाउट एनी डिले आपको बता देता हूं आज का मुद्दा। मूवीज, फिल्में देखते हैं आप लोग? यस सर। ओके सर, मूवीज मतलब कैसे नहीं देखते होंगे, ये तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि कोई अच्छी मूवी रिलीज हो तो जाए। अरे भाई, 83 कौन कौन जाने वाला है देखने के लिए? ट्रेलर तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। वंशिल, आप जाओगे? नो सर। नहीं सर, एग्जाम्स है, पढ़ाई करनी है, मूवीज के लिए टाइम नहीं है। मैं कई बार भूल जाता हूँ कि भाई बोर्ड मेरा थोड़े ही है, बोर्ड तो तुम्हारा है, तो तुम्हारे लिए तो एक एक दिन एक एक पल कीमती है। एनीवेज, मूवीज हमको फैसिनेट करती है और हमने जो देखी है वो दुनिया पर्दे के बाहर की दुनिया है। मतलब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन उनके पीछे बैकग्राउंड में कई सारे आर्टिस्ट, कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ये जो यूनिट है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आज का यूनिट शुरू करते हैं। आपका फ्लेमिंगो का यूनिट नंबर 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब हमको ऐसा लगता होगा पैनकेक्स मतलब कोई खाने वाने की चीज की बात होगी। जब आपको पता चलेगा कि पैनकेक्स क्या था तो यू विल बी सरप्राइज लाइक एनीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अशोकमित्र, बोर्न इन 1931, अ तमिल राइटर, रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। ये तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक था। इन हिज बुक माय इयर्स विद बॉस, व्हिच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। It was one of the most influential film producing organizations of India. भारत के सबसे influential film producing, मतलब बहुत सारी फिल्में बनाई। आपको अगर मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड बाय जेमिनी स्टूडियोज इज लाइक, लेट मी गिव यू द नंबर, मूवीज प्रोड्यूस्ड by Gemini Productions. अब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। टाइमलाइन ये देखते जाइए, 1940 से मूवीज बनाना शुरू की हैं। और मूवीज का कोई अंत नहीं, आज भी जेमिनी स्टूडियोज के नाम से फिल्में बनती है। तो कई सारी फिल्में बनी, बहुत गजब का समय रहा। और आज जो कहानी है वो इन्हीं के बारे में है, श्री एस एस वासन, इन्हीं की कहानी है। आइए सुनते हैं। ये देखिए, इनका जिक्र यहां पे भी है। Its founder was S.S. Vasan. The duty of Ashokamitra and Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. बेटा, फिल्मों के लिए subjects कहाँ से मिलते हैं? समाज से। आप जो भी फिल्में देखते हैं वो समाज का आईना होती है, unless वो बिना सिर पैर की फिल्में हो। लेकिन आज भी कई सारे directors सामाजिक मुद्दों पे, जैसे gender inequality, अलग अलग सामाजिक मुद्दे, उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं। तो उसके लिए क्या खबरों की जरूरत पड़ती है। तो इनका काम क्या था, अलग अलग क्लिपिंग्स को काट के एक फाइल में रखना जिसको देख के और कहानियां बनाई जा सके। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, ऑल्दो ही परफॉर्मड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली।
The following is an excerpt मतलब छोटा हिस्सा from his book My Years with Boss. तो आइए शुरू करते हैं. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. पहले पहले ही खुलासा कर लिया. Pancake वो खाने का pancake नहीं है, ये cosmetic brand है जिसका makeup material खरीदा करता था Gemini Studios, वो भी ट्रकें भर भर के. ग्रेटा गार्बो किसी जमाने की स्वीडिश एक्ट्रेस बहुत फेमस थी. मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला अनदर इंडियन एक्ट्रेस फेमस एक्ट्रेस मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. मतलब ये अर्ली 40s 50s की बात थी. रति अग्निहोत्री लेट एक्ट्रेस थी जो 80s में आई, तो शायद उसको पता भी ना होगा. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. किसी जमाने में उस जगह पे रॉबर्ट क्लाइव रहते थे. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and even a briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. कहते हैं शहर में दसें buildings थीं जिनका नाम रॉबर्ट क्लाइव के साथ जुड़ा हुआ था. समझ में नहीं आता इतनी छोटी सी जिंदगी में, ऊपर से इतना छोटा सा कम समय भारत में बिताने, मद्रास में बिताने के बावजूद उतनी सारी जगह पे कैसे रहा. आप में से कोई जानता है रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो भाई, अंग्रेज ऑफिसर थे. ऐसा नाम सुना है. लाओ दिखा देते हैं. मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट बैरन क्लाइव, ऑल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी. इज क्रिएटेड अलॉन्ग विद वेस्टर्न वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर इन्होंने ही भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैलाया. समझे बेटा? तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ये दो लोग थे जिन्होंने भारत पे कब्जा किया. बंगाल को कब्जा इन्होंने ही किया था सिराज उद दौला को हरा के, पलासी की लड़ाई. याद आया कुछ? यस सर. ओके आगे सुनते हैं. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून. मेकअप रूम कैसा दिखता था? हेयर कटिंग सलून जैसा, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, आंखों में चुभने वाली तेज रोशनी है. सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. अब उस जमाने में क्या बल्ब जलाए जाते थे, तो बहुत हीट एग्जॉस्ट होती. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हू बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हू वॉज असिस्टेड बाय धारवार कन्नड़ीगा. धारवार कन्नड़ीगा मतलब कन्नड़ा से आने वाला. एंड आंध्रा अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. ऑल दीज शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. आप सबके बचपन में आप जो चीज मिस कर गए ना, वो थे नेशनल इंटीग्रेशन के वीडियोस आते थे. भारत के हर कोने से लोगों को लाया जाता था, अलग अलग कम्युनिटी के, और उनका एक गाना था जो बहुत पॉपुलर था. कभी आपको देखना चाहिए, मतलब हर कम्युनिटी के, हर भाषा के, हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, सिंधी, हर भाषा, जितनी भाषाओं को मान्यता है ना, वो सब इसमें थे. ये सॉन्ग था मिले सुर मेरा तुम्हारा. ये आप देख लीजिए 6 मिनट का गाना है, इसमें हर भाषा को कवर किया गया. इसमें पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है, तमिल है, हर तरह की.
सो द पर्पस ऑफ दीज वीडियोस वाज टू इंस्टिल नेशनल इंटीग्रेशन, लोगों में एक देश की भावना पैदा करना इनका पर्पस था। इस पर्पस से ये गाने बनाए गए थे। तो ऑल इंडिया रेडियो पे या दूरदर्शन पे जो एड्स हैं उनके पहले ये जमाना आ चुका था। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। अब बेटा पुराने जमाने में जो फिल्में बनाई जाती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो दो ही कलर्स में आपको दिखाया जा सकता था, फेयर या डार्क। और फेयर दिखाने के लिए बाकायदा पाउडर पोता जाता था। इवन साउथ इंडियन डांस मेकअप आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मेकअप दिखेगा। अब आप देखिए, अब ये इंसान इंसान लग रहा है कि डरावना राक्षस लग रहा है? तो कहते हैं किसी अच्छे खासे दिखते हुए इंसान को भी डरावना बना देती थी ये तस्वीरें। सी अब ऐसे कपड़े अगर किसी को पहनाए जाएंगे तो नो डाउट ये उनका कल्चरल फॉर्म है, लेकिन फिल्में पहले इसी के ऊपर बेस बनी। हिंदी फिल्में भी पहली जो बनी इनिशियली वो माइथोलॉजीज थी, धार्मिक थी, राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो इसके चलते समझो बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? इसीलिए कहते हैं कि भाई एक अच्छे खासे इंसान को भी डरावना राक्षस बना देंगे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. Matlab senior senior actress usko karega, junior junior ko karega, aur sabse low walo ko ek office boy tha, wo sabke color pote tha. The idea was to close every pore in the surface of the face in the process of applying makeup. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter. अब क्या होता है बेटा, कई सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, कुछ लोग एक्टर बनने आए और कुछ और बन गए। जैसे famous personalities who wanted to become actors ab jaise Anees Bazmi famous actors hai, फेमस डायरेक्टर है, वो बनने आए थे एक्टर, बन गए डायरेक्टर, फिल्मों में काम ही नहीं मिला। रोहित शेट्टी एक्टर बनना चाहते थे, बन गए डायरेक्टर, काम ही नहीं मिला हीरो का। जब आपको कास्ट नहीं किया जाएगा तो कोई और काम चुन लोगे, बस वही उन्होंने किया। समझे बेटा? सुभाष गई फेमस डायरेक्टर, एक्टर बनना चाहते थे नहीं बन पाया तो डायरेक्टर बन गए। आगे सुनते हैं। डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, वो पोएट था, कविताएं लिखता था। इन दोज डेज आई वर्क्ड इन अ क्यूबिकल, ऑफिस का एक छोटा सा कोना, टू होल साइड्स ऑफ व्हिच वर फ्रेंच विंडोज। फ्रेंच विंडो मतलब विंडोज विदाउट ग्लास। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। कोई भी खिड़की जिसमें ग्लास ना हो, सॉरी ग्रिल्स ना हो, ग्लास नहीं ग्रिल्स ना हो, वो फ्रेंच विंडो कहलाता है। गाइस एक सेकंड होल्ड पे रख रहा हूं आप लोगों को।
सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, सो आई हैड टू टेक इट. यहां तक किसी को कोई डाउट? गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर. ओके, तो कहते हैं मैं एक क्यूबिकल ऑफिस का छोटा सा हिस्सा मिलता था जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी, विंडोज विदाउट ग्रिल. सीइंग मी सेटिंग अप माय एट माय डेस्क टियरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. सबको लगता था मैं कुछ नहीं करता. इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. मेरे बॉस को भी लगता था शायद मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए जिसको भी कुछ भी बोलना होता था, बकवास करनी होती थी, गुस्सा करना होता था, कुछ समझाना होता था, मेरे पास आता था. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स. जो बॉय का काम करते थे 40 साल के व्यक्ति, उनको ये था कि मैं इतना महान पोएट हूँ और किसी को पता नहीं, तो इसको पता होना चाहिए. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. अब author दुआएं करते कि यार कम से कम crowd shooting का moment आए तो ये बंदे से जान छूटे. बहुत कहानियां सुनाता है, बहुत कविताएं सुनाता है. In all instances of frustration, you will find the anger directed towards a single person openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to कोथामंगलम सुबु वॉज द नंबर टू, मतलब मेकअप मैन का असिस्टेंट जूनियर एट जेमिनी स्टूडियोज. ही कुडंट हैव हैड अ मोर इंकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय है. ऑन द कंट्री ही मस्ट हैव हैड अ फेस ऑफ अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have an appreciable lead over our boy. But by virtue of being born a Brahmin, a virtue, indeed he must have had exposure to more affluent situations and people, he had ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. He always had work for somebody. He could never do things on his own. But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. He was tailor-made for films. जैसे वो फिल्मों के लिए ही बना था. अब उसको एडवांटेज क्यों मिला? क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, समझे बेटा? कास्ट का बहुत बड़ा रोल. और हम प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात कर रहे हैं, जब आजादी नहीं मिली थी उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो बहुत बहुत बड़ा रोल था, समझे बेटा? तो उसको बुरा भी लगता था कि भाई कोई एक जूनियर है, उसको लगता है मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मेरा बॉस क्वालिफाइड नहीं है, तो गुस्सा आएगा भी, तो इसको गुस्सा भी आता था. आगे सुनते. इन ऑल इंस्टेंस ऑफ ये हो गया, सॉरी ये हो गया, हाँ यहाँ. Here was a man who could be inspired when commanded. इसको कोई order दे तो उसको अच्छा लगता था. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends to them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with four ways of the rat pouring affection on the victim's offspring. Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in minutes Subbu would come out with 14 more alternatives. अब सुब्बू को कोई ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा था. तो कोई भी डायरेक्टर जब फंस जाता, उसको कुछ समझ में ना आता, तो सुब्बू हेल्प कर देता. भाई ये सीन कैसे करूं, नहीं समझ में आ रहा, सुब्बू भाई के पास आइडिया. ऐसा समझो कि फॉर एवरी प्रॉब्लम सुब्बू वॉज द सॉल्यूशन. यहां तक कोई डाउट? ओके. Film making must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet. Subbu ki ek aur pehchan thi ki wo ek acha poet tha.
Though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mahambal, with dozens of very deftly inked characters. He quite successfully created the mood and manner of Devadasis in the earlier 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to lead roles, but whatever subsidiary roles he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man. And yet he had enemies. Itna achha insaan. Filme achhi karta hai. Acting achhi karta hai. Kahaniyan likhta hai. Bahut badhiya insaan hai. But still, koi yakin karega ki iske bhi enemies the. To kahani bahut achhi hai. Lekin bhai, har kahani ke kuch pehlu hote hai, wo isme bhi hai. तो कहते हैं मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे इंसान के भी कोई दुश्मन हो सकते हैं. आगे सुनते हैं. मतलब समझ में नहीं आता इतने अच्छे इंसान कभी कोई दुश्मन कैसे हो सकता है. वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर, डिमीनर मतलब बर्ताव, दैट रिजेम्बल्ड अ साइकोफेंस, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग. इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन द मेकअप इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू. अब यहां पर सुबह काम कर रहा है और उसका जूनियर उसके बारे में बुरा सोचता है, कानाफूसी करता है, दुख पहुंचा रहा है. यू सॉ सुबह ऑलवेज विद द बॉस. अब आपको सुबह हर बार बॉस के साथ ही दिख जाता. इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. Gussa kar liya ek actress ne. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, 1 minute please, and played back the recording. There was nothing incriminating and unmentionably foul about the actress tired against the producer. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experiences that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself capsulated into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief, brilliant acting career. उस दिन वो एक्ट्रेस जब गुस्सा कर रही थी तो लीगल एडवाइजर ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उसको ही वो रिकॉर्डिंग दिखा दी. बंदी डर गई कि मैं इतना खराब करती हूँ, मेरे को एक्टर बनना ही नहीं है. उसका करियर ही खत्म कर दिया. द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड. व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर विद अ स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of a coat of mail. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock or pancake were used on it, not much came of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance
इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब लेखकों को बोला गया कि अपने घर जाओ, नौकरी बंद कर दी गई और एक वकील की नौकरी चली गई। गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। तो बेटा लोग, अभी तक हमने जाना कि जेमिनी स्टूडियो में क्या हो रहा है। यहां से आगे की कहानी हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे।